हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कि आपकी डाइनिंग चेयर्स में भी दरारें आ चुकी हैं और वो बहुत पुरानी दिखने लग गई हैं और आप उनको सोच रहे हैं चेंज करने के लिए, लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये। तो चलिए मैं आपको एक सस्ता सा आइडिया बताती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मंगवाया है डाइनिंग चेयर्स के कवर्स, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और ये पॉलिस्टर में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। तो जो मैंने ये चेयर मंगवाया है, ये 6 सीटर्स हैं और इसमें चार सीटर्स भी अवेलेबल है और 1 सीटर भी अवेलेबल है और इसमें कलर बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैंने जो कलर मंगवाया है वो ब्राउन कलर है और जो इस मेरे चेयर डाइनिंग चेयर का जो साइज है वो 60 मीटर की लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। तो अगर आप भी ये मंगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी चेयर की लंबाई को ज़रूर नापें, देन उसके बाद ही इसको ऑर्डर करें आप। तो अब मैं बात करूँगी इसके प्राइस की कि ये कितने का है। तो जो मैंने 6 सीटर्स वाले मंगवाए हैं वो मुझे पड़ा था 1399 रुपये में। ये पूरा स्ट्रेचेबल है और आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करी गई है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप इसको वापस से इसके अंदर रख के आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे खोल के ये कैसा आया है। पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही अच्छी करी है इन लोगों ने और इसके एक पैक में 2 पेयर हैं। इससे कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये देख सकते हैं आप, इसके यहाँ पे नीचे प्लास्टिक लगाई हुई है इन लोगों ने ताकि ये नीचे से पूरे कवर को ये टाइटली पकड़े रहे, निकले नहीं। पैटर्न देख रहे हैं आप, इसमें पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है ये ताकि ये नीचे से होल्ड करके रहे। तो चलिए इसको चेयर पे लगा के देखते हैं कैसा लगता है ये। तो आप देख सकते हैं मेरे डाइनिंग चेयर की हालत किस तरीके से हो गई है। ये बीच बीच में से पूरा फट गया है और इसको जो चिपकाया था हमने, उसका ग्लू का जो दाग है वो रह गया है। तो अभी आप इसका लुक देख लीजिए विदाउट कवर कैसा है। ये पूरा कवर जो है वो डाइनिंग जो चेयर है उसकी शेप में इन लोगों ने काटा है और ये एक लंबाई में है। तो आपको सबसे पहले पूरा इसको कवर को ऊपर करना होगा, देन इसको स्टार्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ लाना होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सा है और जो नीचे वाला है वो कौन सा है। नीचे वाले हिस्से में हमेशा इलास्टिक लगी होगी जो कि नीचे चेयर को होल्ड करके रखेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चेयर को हमने सेट कर दिया है। वाओ, इसका लुक पूरा टोटली चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा कवर लगा के हमने नया तैयार करा है। आप देख सकते हैं इसका लुक पूरा चेंज हो गया, बिल्कुल न्यू लगने लगा है ये। आफ्टर बिफोर आप लोग देख सकते हैं, मेरी डाइनिंग चेयर का लुक पूरा चेंज हो चुका है सिर्फ एक कवर को चेंज करने से। तो इस तरीके से मेरे 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा तो बच गया और प्लस मेरा जो डाइनिंग चेयर है वो भी न्यू लगने लगा है, पूरा लुक चेंज हो गया है इसका। तो आप भी इस तरीके से अपने डाइनिंग चेयर का लुक चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक चेयर भी है तो एक चेयर का कवर भी वहाँ पे अवेलेबल है और पेयर में है तो पेयर का भी कवर अवेलेबल है। आप एक बार अमेज़ॉन पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।